हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी बाजार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो साउथ अफ्रीका का इंडिया टूर हो रहा है उसमें फर्स्ट मैच हो रहा है T20 का। इस मैच के प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे। यह मैच खेला जाएगा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन्यू की पूरी डिटेल, इन्फॉर्मेशन हेड टू हेड रिकॉर्ड एनालिसिस, फॉर्म एनालिसिस, पॉसिबल प्लेइंग 11 की प्रेडिक्शन होंगी, दोनों टीमों के प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस करेंगे, प्लेयर्स के रिकॉर्ड हेड टू हेड एनालिसिस, साथ ही ग्राउंड वेन्यू पे प्लेयर्स बैटल चेक करेंगे। फैंटेसी टीम्स के लिए जो टॉपिक्स हो सकते हैं स्मैल लीग, ग्रैंड लीग, कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशन और ड्रीम 11 का कम्बिनेशन, यानी कि आपको पूरा पैकेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप फैंटेसी बाजार चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि अगली वीडियो जब भी डालो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू की इंफॉर्मेशन की। फ्रेंड्स, धर्मशाला जो स्टेडियम बना था 2003 में ही बना था, यहाँ पे 23,000 पीपल के लगभग यहाँ पे बैठ सकते हैं। अगर T20 का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे कुल मिला के 8 मैचेज हुए हैं, 2 का कोई रिजल्ट नहीं है। फर्स्ट टीम बैटिंग करते हुए 4 बार जीती है, सेकंड बैटिंग करते हुए केवल 2 बार जीती है। अगर एवरेज रन पर विकेट निकाले तो यहाँ प्रत्येक विकेट पे 22 रन बनते हैं। अगर एवरेज रन निकाले तो पर आवर यहाँ पे 8 के करीब, यानी कि काफी हाई स्कोर ग्राउंड ये है। यहाँ पे एक सेंचुरी लग चुके हैं, 150 प्लस का स्कोर यहाँ पे 6 बार बन चुका है। अगर हाईएस्ट टोटल जो रिकॉर्ड बना है वो 200 रन का बना है, जो कि साउथ अफ्रीका ने बनाया है इंडिया के खिलाफ 2015 में। लोएस्ट जो टोटल यहाँ पे बना है 134 का, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया न्यूजीलैंड के खिलाफ 2016 में। हाईएस्ट जो स्कोर चेज हुआ है वो 199 का चेज हुआ है, जो कि साउथ अफ्रीका ने चेज किया था इंडिया के टोटल को 2015 में। लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो न्यूजीलैंड ने डिफेंड किया 2016 में 142 रन का। अगर एवरेज निकाले तो फर्स्ट इनिंग का यहाँ पे बनता है फ्रेंड्स 140 का और सेकेंड इनिंग 124 का। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की बात करें तो यहाँ पे चेज करते हुए टीम में केवल 2 बार जीती है और 4 बार हारी है, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया। हेड टू हेड देखें तो यहाँ पे दोनों टीमों के बीच केवल 1 मैच हुआ है और इंडिया ने भी यहाँ पे केवल 1 ही मैच खेला है, वही उसी मैच में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को 7 विकेट से हराया है। अगर रिसेंट एनकाउंटर देखें तो रिसेंट एनकाउंटर्स में यहाँ पे जो 2 मैचेस की दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, लास्ट मैच जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था 2016 में, जो कि वर्ल्ड T20 का मैच था। उस मैच में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हरा था, पेसर्स को 9 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को 5। उससे पहले जो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था उसमें 199 बनाए थे इंडिया ने और 200 बनाए थे साउथ अफ्रीका ने। रोहित ने 106 की पारी खेली थी 66 बॉलों में, कोहली ने 43 बनाए थे 27 बॉलों में। कुल मिला के पेसर्स को 4 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को केवल 1 विकेट मिले थे और रन आउट यहाँ पे 3 हुए थे। तो ये मैंने आपको रिकॉर्ड दिखा दिया। आप बात करें तो वेदर की जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, 2 दिन से वह धर्मशाला में बारिश हो रही है और वहाँ पे पिच जो है अंडर कवर है, तो पिच कैसी बिहेव करेगी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। बाकी आज के मैच के लिए क्लाउडी स्काई रहने की संभावना है फ्रेंड्स, शावर्स हो सकते हैं बीच बीच में 50% जो चांसेस हैं। शावर से एक जो फायदा हो सकता है फ्रेंड्स, वो किक बॉलर्स को अर्ली ऑन मदद मिलती दिखेगी और जैसे कि आपको शावर्स दिखेंगे उसके बाद आपको डिले स्टार्ट मैच देखने को मिल सकता है और कम आवरों का भी मैच देखने को मिल सकता है, तो आप उस हिसाब से अपनी टीम बना सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे 21 से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रह सकता है, इस कारण से आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड ड्यू का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा पार्टिकुलरली सेकेंड इनिंग में। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी शाम को बारिश के कारण, तो ह्यूमिडिटी लेवल जब भी ज़्यादा होता है तो आपको देखने को मिलती है फ्रेंड्स, थोड़ी पिच में थोड़ी नमी होने के कारण सीधा बैट पे बॉल आती है और वो उसे स्कोर करना आसान हो जाता है। पिच कंडीशन की बात करूँ तो पिच कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया, कुल मिला के फ्रेंड्स ये बैटिंग ट्रैक है क्योंकि अर्ली ऑन अगर पेसर्स को मदद मिलती है विकेट नहीं गिरते तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल विकेट देखने को मिलेगी, साथ ही अर्ली ऑन आपको फास्टर्स को मदद मिलती हुई दिख सकती है। हाई एनकाउंटर पॉसिबल भी है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बाउंड्रीज है, ग्राउंड जो कि काफ़ी ऊपर है, ये पहाड़ी एरिया में ये ग्राउंड है, तो जैसे जितने ऊपर जाते हैं उतनी बॉल ज़्यादा ट्रैवल करती है एयर में, क्योंकि एयर की जो थिकनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। ये रिकॉर्ड दिखा। आप बात कर लेते हैं टॉस की, टॉस जो पार स्कोर रहेगा फ्रेंड्स वो 170-180 हो सकता है अगर इसलिए विकेट नहीं गिरे तो, अगर विकेट गिर जाते तो 50-160 भी अच्छा स्कोर यहाँ पे हो सकता है।
टॉस प्रिडिक्ट की बात करें तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉल करना पसंद करेगी, उसके पीछे फैक्टर्स है, एक तो डू का है, साथ ही स्विंगिंग कंडीशन होगी क्योंकि वह ओवरकास्ट कंडीशन है, तो जो भी टीम चाहेगी वो अर्ली ऑन विकेट लेना चाहेगी और चाहेगी कि अपोजिशन को रीजनेबल टोटल पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अगर बाय चांस किसी टीम की फर्स्ट बैटिंग आ जाती है उसके लिए स्ट्रेटेजी ये होगी कि वो अर्ली ऑन जो मूवमेंट होगी सीम मूवमेंट होगी वो उसको नेगोशिएट करेंगे 2-3 ओवर, उसके बाद वो चाहेंगे कि अच्छा स्कोर बना पाए। तो ये स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया। बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। दोनों टीमों के बीच फ्रेंड्स 13 मैचेस हो चुके हैं, इंडिया ने 8 जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने 5 जीते हैं। इंडिया में दोनों टीमों के बीच 2 मैच हुए हैं, दोनों साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। आप कह सकते हैं क्योंकि धर्मशाला पे भी साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया है तो साउथ अफ्रीका आपको थोड़ी अपर एडवांटेज हो सकती है। इंडिया की बात करें तो अगर लास्ट के 5 मैचेस देखो तो T20 में उन्होंने 5 मैचेस 3 जीते हैं, जो कि अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुए हैं। साउथ अफ्रीका ने अपने लास्ट के 5 मैचेस में से 3 जीते हैं, 1 टाइड के और 1 हारे हैं, यानी कि दोनों टीमें कुल मिला के अच्छे फॉर्म में हैं रिसेंट में। कुल फैक्ट्स की बात करूँ तो सबसे अच्छी न्यूज इंडिया के लिए है कि बैजू अब इंडिया की टीम स्पॉन्सर बन गई है ओप्पो की जगह, तो वो उनका टाइम पीरियड रहेगा 5 सितंबर से 31 मार्च 2002 तक। उनकी न्यू जर्सी भी रिलीज हो चुकी है। अगर T20 की रैंकिंग देखें तो इंडिया 4th पोजीशन पे 261 पॉइंट के साथ, साउथ अफ्रीका 3rd पोजीशन पे 262 के पॉइंट, यानी कि हेड टू हेड ICC रैंकिंग में भी दोनों टीमें एक जैसी हैं। अगर रिसेंट हेड टू हेड एनकाउंटर्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच साउथ अफ्रीका में 3 मैच हुए थे, 3 में से 1 इंडिया ने जीता था और 2 इंडिया ने जीते थे और 1 साउथ अफ्रीका ने जीता था, तो ये सीरीज इंडिया ने जीती थी। हेड टू हेड में परफॉर्मेंस की बात करूँ तो शिखर धवन का नाम आता है। फ्रेंड्स मनीष पांडे ने भी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करी है, साथ ही एंड्रिक्स ने भी एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करी है, शिखर धवन का 2 बार नाम है। तो ये हेड टू हेड मैंने आपको दिखा दिया फ्रेंड्स, साथ ही आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड्रिक्स की देखें तो पारी एक मैच में उन्होंने 70 बनाए थे, तो आप देख सकते हैं। साथ ही शिखर धवन 62-26, मनीष पांडे 29, एक मैच में मनीष पांडे ने भी अच्छी पारी खेली है, मैं आपको दिखा देता हूं 79 रन की 48 बॉलों में। और जूनियर डाला तो इंडिया के खिलाफ और एक मैच में उन्होंने विकेट लिए थे, 3 मैचेज में 7 विकेट वो ले चुके हैं, आगे भी रिकॉर्ड में आपको दिखाऊंगा। इंडिया की स्टार्टिंग 7 की प्रेडिक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स जो इंडिया की जो टीम अनाउंस हुआ उसमें जो स्टार्टिंग 7 हो सकती है ये हो सकती है, शिखर धवन ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांडे, कुणाल पांडे, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, नवदीप सैनी और खलील अहमद, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है तो 3 सिमर्स के साथ इंडिया जाना चाहेगी, तो ये आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। एक दो चेंजेस जो देखने को मिल सकते हैं वो अभी बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको 3 प्लेयर्स में से 2 खेलते हुए दिखेंगे, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और कुणाल पांडे में से 2 दिखेंगे, मनीष पांडे और श्रेयस में कोई एक खेलेगा, साथ ही रोकेश राव का काफी कम चांसेस है, हाई चांसेस शिखर धवन नहीं खेलेंगे, तो ये हो गई। बाकी बेंच पे भी मैंने आपको दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं जो रिसेंट में अच्छी परफॉर्मेंस करे रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, शिखर धवन थोड़ा एवरेज है, T20 के रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिए, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। दीपक तो और नवदीप सैनी ने अच्छी परफॉर्मेंस करी है रिसेंटली T20 में। साथ ही ऋषभ पंत की बात करें तो पिछला जो इन्होंने मैच खेला था 65 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। यह बात कर लेते हैं जल्दी से साउथ अफ्रीका के स्टार्टिंग 7 की। उनकी टीम में जो स्टार्टिंग 7 रहेगी फ्रेंड्स, कॉटन डी कॉक रहेंगे कैप्टन है, जो कि विकेट कीपर भी हैं, रेजा हेंड्रिक्स, रशन वेंडरसन, थेम्बू बुआमा, डेविड मिलर, एंडेल फिलकोया और डेविन पेट्रियोरिस, किक्स रोबाडा, ब्रन एंड्रिक्स जूनियर डालो और तबरेज शमसी, ये इनकी स्टार्टिंग 7 रह सकती है। बाकी जो चें देखने को मिल सकता है फ्रेंड, पेट्रिस की जगह जो कि ऑलराउंडर है जॉर्ज लैंडे वो खेलते हुए देख सकते हैं, एंड्रिक्स की जगह आपको एनरिच नोटची खेलते हुए देख सकते हैं, एंड्रिच नोटची काफी फास्ट बॉलर हैं, इनका वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन आया था किंतु चोट के कारण ये खेल नहीं पाए थे, ये काफी हाईली रेटेड प्लेयर देखेंगे, तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए अगर खेलते हैं तो ग्रैंड लीग के लिए बिल्कुल डिफॉल्ट पिक रहेंगे। साथ ही मैंने येलो कलर कर दिया फ्रेंड्स, आपको आसानी हो प्लेयर्स को चुन करने में, खासकर एंड्रिक्स और रशी वेंडरसन का काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है T20 में, खासकर आप देख सकते हैं कि इनकी पारियां लास्ट में 65, 64 बहुत अच्छी पारियां इन्होंने दोनों ने खेली हैं। बाकी बॉलर्स इनके पास काफी अच्छे हैं, एंड्रिक्स हैं, किक्स रोबाडा, एंडल फुलकॉय की भी बहुत शानदार
परफॉर्मेंस रही है, 4-3, 1-3 विकेट लिए है, जूनियर डाला इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्मेंस करी है, तो आप देख सकते हैं इनके रिकॉर्ड। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस की, ताकि आपको प्लेयर्स को चुनने में आसानी हो। फ्रेंड्स एक बात मैं फैक्ट बता दूं, फ्रेंड्स रोहित और कोहली का जो इंटरनेशनल T20 रन है वो 4,791 है। अगर देखें तो जो अब साउथ अफ्रीका के T20 की स्कोर है जो मैंने आपको दिखा, उनके भी इतने रन नहीं बनते हैं कुल मिला के जितने दोनों के बनते हैं। प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखो तो फ्रेंड्स हेड टू हेड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो प्लेयर्स अच्छे रहे हैं, रोहित शर्मा ने 10 मैच खेल के 341 बनाए, 38 के एवरेज से 2 हाफ सेंचुरी 1 सेंचुरी लगा चुके हैं। कोहली ने 7 मैचेस में 173 बनाया, 28 के एवरेज से 1 सेंचुरी लगा चुके हैं। मनीष पांडे ने 3 मैचेस में 121 के एवरेज से कभी आउट नहीं हुए हैं ये, और एक इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है। बाकी ये हेड टू हेड में ये रिसेंट जो इनके परफॉर्मेंस है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर बॉलर्स की बात करूं तो हार्दिक पांडे ने साउथ अफ्रीका के 3 मैच में 3 विकेट हैं, जडेजा ने 3 मैच खेल के 1 विकेट लिया है, इनके प्रत्येक मैच में इनकी विकेट हैं। अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के इंडिया के प्लेयर्स के खिलाफ जो परफॉर्मेंस रही है, रेजा एंड्रेक्सन ने 3 मैच जो इंडिया के खिलाफ खेले 103 रन बनाए, 35 के एवरेज से 1 हाफ सेंचुरी लगाई है। मिलर ने 6 मैच खेल के 81 रन बनाए हैं केवल 20 के एवरेज से। बाकी इन तीन ही प्लेयर हैं जो इंडिया के खिलाफ खेले हैं अभी तक T20 में, इनका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया, बाकी आपको पहली बार खेलते हुए दिखेंगे। साथ ही बॉलर्स में जूनियर डाला ने इंडिया के खिलाफ 3 मैच खेल के 7 विकेट और 3-1, 3-2 विकेट इन्होंने लिए हैं। रबाडा ने 2 मैच खेल के 1 विकेट, इकोनॉमी ट्यूब 6.2 की है। फिलकोया ने 3 मैच खेल के 2 विकेट, समसी ने 3 मैच खेल के 2 विकेट, हेंड्रिक्स ने 1 मैच खेल के 2 विकेट लिए हैं। सभी के मैंने आपको विकेट दिखा दिए। अगर धर्मशाला पर रिकॉर्ड देखें तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, रोहित शर्मा ने अच्छे परफॉर्मेंस किए 1 मैच में 106, कोहली ने भी यहाँ पे 43 की पारी खेली है। प्लेयर्स की बैटल्स की बात कर ले तो सबसे अच्छा बैटल्स देखने को मिलेगा रोहित का और डाला का। डाले ने रोहित शर्मा को 3 बार आउट किया फ्रेंड्स के, और 7 बॉलों में 4 रन देखे। T20 में जो पिछली T20 सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका में दोनों ने, तो उन्होंने हर बार रोहित को आउट किया था तीनों मैचेस में। एक बार डाला ने कोहली को भी आउट किया था, शमशी ने भी कोहली को एक बार आउट किया था पिछली सीरीज में, फुलकोए ने धवन को एक बार आउट किया था, मनीष पांडे को भी एक बार डाला ने आउट किया था। तो अगर इंडिया के बॉलर्स की देखे तो मिलर को हार्दिक पांडे ने 2 बार पिछली सीरीज में आउट किया था, ये मैंने आपको हेड टू हेड दिखा दिए। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम्स की पिक्स की, जो आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे फ्रेंड्स वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पिक्स रहेंगे दोनों टीमों की तरफ से, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, दीपक चहर, कोटंडी को, रशन डसन, फिलकोयो और बाड़ा। साथ ही ड्रीम इलेवन पे कितने परसेंट लोगों ने लिया आपको दिखा दिया, ताकि आपको आसानी हो। समय लीग में तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन चुन सकते हैं, रोहित और कोटंडी, कोहली और हार्दिक पांड्या को चुन सकते हैं आप। जो एक्सपेक्टर जो प्लेयर्स रहेंगे वो मैं आपको दिखा दिया, दोनों टीमों की तरफ से मैंने हर एक प्लेयर के परसेंटेज आपको दिखाई है ताकि आपको आसानी हो फ्रेंड्स। धवन है, पंत है, सनी नवदीप सैनी, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, खलील अहमद, बाकी मनीष पांडे अगर खेलते हैं, कुणाल पांडे और राहुल वाशिंगटन सुंदर, सभी की परसेंटेज दिखा दी। एंड्रिक्स का आपके लिए बिल्कुल ग्रैंड लीग के लिए पिक करेंगे, इनका रिकॉर्ड काफी शानदार है इंडिया के खिलाफ भी, और साथ ही रिसेंट जो इंडिया का साउथ अफ्रीका का एक टूर हुआ है तो उन्होंने यहाँ पे सेंचुरी भी लगाई है, तो आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बिल्कुल डिफॉल्ट पिक करेंगे कैप्टन, आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। साथ ही मिलर हैं 32% में, सुनील डाला 29%, टी बुआमा 13%, ड्वेन पैट्रिस 53%, ये इनके नोट जी अगर खेलते हैं तो 23% लोगों ने इनको लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन देखे तो फ्रेंड्स मैंने धवन और एंड्रिक्स के साथ गया हूँ फर्स्ट चॉइस में, सेकंड चॉइस में ये यार बाड़ को आप ट्राई कर सकते हैं, अगर इनिशियली विकेट गिर जाते तो ये भी काफ़ी अच्छे लिए आपके लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि रबाड़ा आपको इनिशियल विकेट देंगे। ड्रीम में फैंटेसी बाजार पे फ्रेंड्स हम आपको डेमो टीम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री है अपनी टीम प्रेडिक्ट करने के लिए, मैंने इतना डीपली एनालिसिस आपको ऊपर बता दिया, साथ ही आपको ड्रीम इलेवन के कम्बिनेशन दिखाऊंगा अच्छे हैं कम्बिनेशन, ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स इतना डीपली एनालिसिस बताने के बाद आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप फैंटेसी बाजार चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अब बात कर लेते हैं जल्दी से सोशल लिंक्स की, सोशल लिंक्स का जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको टीम अपडेट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ड्रीम इलेवन के 6 कम्बिनेशन की, फर्स्ट जो कम्बिनेशन है वो संभाली गया हेड टू हेड में आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट कम्बिनेशन जो मैंने ट्राई किया है फ्रेंड्स,
इस टीम में मैंने ट्राई किया पंत को, अय्यर को, रोहित शर्मा को, वेन रेडरसन है, रेंज एंड्रिक्स, फुल कायो को वाइस कैप्टन बनाया है, जूनियर डाला है, किशोर बाड़ा, सैनी चेहर, हार्दिक पांड्या, सभी के जैसे मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखाई है। केवल इस टीम में क्रेडिट इश्यू के कारण विराट कोहली को नहीं ले पाए फ्रेंड्स, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो विराट कोहली को यहाँ पे ले सकते हैं ईयर की जगह, तो ये और काफी अच्छी टीम हो सकती है। इस टीम में मैंने ट्राई किया है, आप देख सकते हैं कैप्टन बनाया है रोहित शर्मा को, वाइस कैप्टन बनाया है फुलकायो को। अगर आप चाहें तो इस टीम में बिल्कुल आसानी से वेन रेडरसन को बना सकते हैं या एंड्रिक्स को बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे रेबाडो को भी एक टीम में मौका दे सकते हैं, ये टीम काफी अच्छी हो सकती है। बाकी सेकेंड टीम जो मैंने ट्राई की है फ्रेंड्स, इस टीम में मैंने दिखा देता हूँ, विराट कोहली को लिया है कैप्टन बनाया है, वो डिकन कोटनडिको को वाइस कैप्टन अय्यर है, रोहित शर्मा, वेन रेडरसन, तेंबू बुआमा को ट्राई किया है, हार्दिक पटेल, हार्दिक पांड्या है, खलील अहमद है, नवदीप सैमी है, नोटजी को इस टीम में ट्राई किया रबाडा के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन ही हो सकता है। जो थर्ड कॉम्बिनेशन मैंने 7-4 का इंडिया को फेवरेट मानते हुए टीम बनाई है फ्रेंड्स, और खासकर ये ग्रैंड लीग के लिए काफी अच्छी टीम हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो रोहित है ना ही आपको कोहली दिखेंगे, तो ग्रैंड लीग के लिए बिल्कुल ये टॉप टीम हो सकती है। अगर दोनों ही आउट हो जाती है हर लियोन तो आपको ये टीम अच्छे करते हुए दिखेगी। पंत को ट्राई की है, कैप्टन बनाया शिखर धवन को, अय्यर हैं, वेन रेडरसन हैं, कोटन डिकॉक हैं, हार्दिक पांड्या, जडेजा हैं, चहर हैं और नवदीप सैमी। साउथ अफ्रीका की तरफ से फुलकायो को ट्राई किया, वेन रेडरसन को वाइस कैप्टन बनाया है, रबाडा को ट्राई किया है, ये टीम हो सकती है। अब फोर्थ टीम जो मैंने ट्राई की है, मैंने फ्रेंड्स थोड़ी इंडिया को फेवरेट 6-5 का कॉम्बिनेशन है, विराट कोहली को लिया इस टीम में कैप्टन बनाया है उनको, हार्दिक पांड्या के साथ शिखर धवन को लिया है, पंत हैं, वेन रेडरसन, एंड्रिक्स दोनों हैं। इस टीम में मैंने कुणाल पांड्या को ट्राई किया है, एंड्री नॉट जी हैं, फुलकायो की जगह आप चाहें तो पैट्रिस को ट्राई कर सकते हैं या रविंद्र जडेजा को आप ट्राई कर सकते हैं कुणाल पांड्या की जगह। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ टीम की, फिफ्थ टीम की जो बात करेंगे फ्रेंड्स, इस टीम में कोटन डिको का कैप्टन बनाया है, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को बनाया है, विराट कोहली हैं, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, दीपक चहर ने पोर्टिस को ट्राई किया है, एंड्रिक्स हैं और जूनियर डालो को ट्राई किया है, क्रेडिट मेंटेन नहीं करने का मैं डालो को ट्राई कर रहा हूं इस टीम में, रबाडा नहीं है। अब बात कर लेते हैं लास्ट टीम की, इस टीम का कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं। इस टीम को मैंने फ्रेंड्स बॉलर्स के फेवरेट मानते हुए टीम बनाई है, ये कैप्टन बनाया है रबाडो को, वाइस कैप्टन दीपक चहर को, नवदीप सैनी है, जूनियर डाला है, एंड्रिक्स हैं, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, वेन रेडरसन हैं, एंड्रिक्स हैं और ऋषभ पंत हैं। अगर इस टीम में मैंने कैप्टन बनाया रबाडो को, आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं, वेन रेडरसन, एंड्रिक्स को, रोहित शर्मा को भी बना सकते हैं, विराट कोहली को भी बना सकते हैं, ये आपके चॉइसेस भी मैंने आपके साथ साथ दिखा दिए। होपफुली अब उम्मीद करूंगा कि फ्रेंड्स होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया, अगर आप आसानी से अपनी टीम बना सकते हैं मुझे लगता है, तो अंत में फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।